यानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भक्ति का संचार करने वाली और भगवान की अविरल भक्ति को जनमानस तक प्रदान करने वाली है। बाबा देव अधिदेव महादेव कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, व्रत शिव पुराण की कथा, स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में श्री विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंघल, पटना बिहार से आप इस पावन शंकर की कथा को संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु श्रवण करवा रहे हैं। आप ही के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री ओम प्रकाश जी भाटी, श्रीमती आशा जी भाटी, जो राजेंद्र नगर इंदौर के निवासी हैं, भगवान शिव की कृपा करुणा दया सागर की दया है, जो अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज विराम दिवस है, 7वां दिवस है। बचपन जवानी अधिक और बुढ़ापा यही मानकर चले, बचपन जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा यही मानकर चलें कि जैसे ये 7 दिन जो हमारे जा रहे हैं, जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा 7वां दिवस है, बचपन जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा यही मानकर चलें कि जैसे ये 7 दिन जो हमारे जा रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक हमारी जवानी, हमारा बचपन, हमारी अधेड़ी, हमारा संपूर्ण जीवन का जो समय है, निकलते निकलते एक विराम के पड़ाव की ओर पहुंच जाता है। और जो विराम का पड़ाव है, समापन की ओर, विराम की ओर जब हम पहुंच रहे हैं, तब संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होता, संभालने वाला केवल देव अधिदेव महादेव ही होता है। एक बिंदु तक जब हम पहुंच जाएं, जब अंतिम क्षण तक हम पहुंच जाएं, तो वो बिंदु, वो क्षण, वो पल, वो घड़ी, वो क्षण हमारा शिवमय होना चाहिए। आप कहेंगे कि चित्तवृत्ति को शंकर तक ले जाना भी कठिन पड़ता है। कल की कथा में कहा था, अगर आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जहां बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये कोई दूसरा सुनने वाला नहीं, स्वयं शंभु ही है। दूसरा कोई बाँचने वाला नहीं होता, शंकर ही कथा बाँचते हैं। पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, सारी पुराणों को पढ़कर देख लीजिए, सारी पुराणों में हर चीज में आपको एक बात जरूर मिलेगी कि कथा का विस्तार अगर किसी ने करा, कथा तत्व को जनमानस में श्रोताओं के मध्य में अगर कोई लेकर आए हैं, तो वो शंकर लेकर आए। शिव के सिवा कोई नहीं हो सकता। देने वाले भी हैं तो शंकर ही है, शिव करुणा सागर है, शिव कृपा सागर है। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। जब बचपन चले गया, तब बचपन की याद रह जाती। क्या स्कूल का टाइम था, आराम से तैयार होकर स्कूल चले जाते थे, मम्मी टिफिन दे देती थी और बैग टांगा और बॉक्स लिया और लंच बॉक्स, भोजन आदि लेकर, पानी की बोतल लेकर चल देते थे, फिर आते थे आराम से। अम्मा कपड़े उतार देती थी, दूसरे कपड़े पहना देती थी। अब उसको याद किया, बचपन याद आते आते फिर आ गई जवानी, फिर कॉलेज का समय याद आ गया। क्या पढ़ाई करी, क्या स्कूल गए, क्या कॉलेज गए, क्या अपना जीवन कितना जोरदार, कितना आनंदित निकला है। फिर वो कहीं मित्रों का मिलना, कहीं किसी रूप में किसी अन्य आनंद में डूब जाना, फिर
अधेड़ी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, थोड़ा सा चाहे जिस कन्या के साथ विवाह हुआ, जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का, जिस बच्ची के साथ विवाह हुआ, बच्ची पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया और आप पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया। अब आप यहां से टर्न कर रहे हो, अब आप यहां से टर्न ले रहे हो कि अभी तक आप जिए थे अपने लिए, बचपन जिया आपने अपने लिए, जवानी जिया आपने अपने लिए, अधेड़ी आई और अधेड़ी भी थोड़ी जी आपने आपके लिए, और जब कोई गोदी में लाल आ गए, संतान आ गई, बेटा बेटी हो गए, अब आप अपने लिए जीना छोड़ दिए। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन जब नाम तुमने रखा, उसका रखने के बाद बैंक में, बीमे में, कहीं ना कहीं खाता खुलवा दिया, या कोई सामग्री अगर आ रही है, कोई सामग्री अगर मिल रही है, तो उस सामग्री को भी आप पेटी में रखते जा रहे हो कि इसके काम आएगी, इसका गुल्लक बना दिया, इसके लिए गुल्लक में थोड़ा सा धन डाल दिया जाए, इसके गुल्लक में थोड़ा सा पैसा डाल दिया जाए। अब वो आप अपने लिए नहीं जी रहे, अब आप दूसरे के लिए जीना प्रारंभ कर दें। बस धीरे धीरे करते करते अधेड़ी भी निकल गई, आ गया बुढ़ापा। और अगर बुढ़ापे में सीखना है तो सबसे सुंदर सीख लीजिए गिद्धराज जटायु से, बुढ़ापे की सबसे बड़ी सीख देंगे श्री गिद्धराज जी जटायु। तीन के प्राण छूटे, भीष्म पितामह, श्री दशरथ जी महाराज और गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के प्राण छूटे, भले राम उनके सामने थे, भले राम उनके साथ दे रहे थे, भले राम उनके संग में विराजमान थे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने थे क्या? जितने आस्था पर सुन रहे हो बड़े प्रेम से बोलो, राम सामने थे? नहीं, भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण थे। पर जब भीष्म पितामह के प्राण छूटे, भले पूरा जीवन भीष्म पितामह ने कृष्ण का दर्शन करा और भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह का दर्शन किया, पर जब प्राण छूटे तो क्या कृष्ण सामने थे? नहीं। पर गिद्धराज जटायु मात्र एक है ऐसे, गिद्धराज जटायु मात्र एक ऐसे हैं जिन्होंने ना बचपन में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने जवानी में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने अधेड़ी में करा। बस कब करा? जब प्राण छूट रहे थे, अंतिम क्षण था और राम की गोद मिली हुई थी, तब उन गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को त्यागा। शास्त्र कहता है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा गया तो ये सवर नहीं पाएगा जीवन। बचपन जवानी अधेड़ी तक तो ठीक है, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। गिद्धराज जटायु ने अपनी जैसा था निकल गया, जीवन भर मांस खाया अपनी जगह पर था, पर बुढ़ापा अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल उन्हें सुधार लिया। 7 दिन की कथा में आप भले 6 दिन की कथा सुने ना सुने, 6 दिवस की कथा आपने श्रवण करी ना करी, पर शास्त्र कहता है कि 7वें दिवस की कथा तो आपको परमात्मा से मिलन के लिए, उसका मिलन तुम्हारे सम्मुख में हो जाता है। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा ये, तो मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूँ, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए, दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कराएगा 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कराएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है, ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है, इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास करा, CA के लिए एग्जाम बार बार दिए, नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करा, धंधे व्यापार बार बार करे, बार बार अपन उसको सही करने का प्रयास कर रहा है पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार बीमार हो रहा है पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार कितना इस मोबाइल को सुधारने का प्रयास करा पर सुधरा नहीं है, आखिरी में जब नहीं सुधरा तो परिवार वालों से अर्थात किसी सदगुरु के पास ले गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो इसे मंदिर तक भेज दो, तीर्थ तक भेज दो, उसको गंगा के घाट तक पहुंचा दिया, दुकान तक पहुंचा दिया, वहां जाकर भी जब ये नहीं सवर पाया तो कहा अब इसको परमात्मा की चौखट तक भेजना जरूरी है, तब जाकर ये सुधर पाता है। 7 दिन मोबाइल को सुधरने में लगते हैं तो 7 दिन की शिव महापुराण भी अच्छे अच्छे मोबाइल को संवार देती है, ये भी सुधारने का काम कर देती है, ये भी संवार देती है, बस उसको संवार आ जाए, उसको थोड़ा सा संवारने का प्रयास किया जाए। उसको संवारने का प्रयास करिएगा, पीछे आवाज नहीं जा रही है, उसको संवारने का प्रयास करिए, और जितना आप उसको संवारने का प्रयास करोगे उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, परमात्मा आपके नजदीक आता चले जाएगा। दुख कष्ट, दुख तकलीफ भगवान क्यों देता है, भगवान किस लिए प्रदान करता है, भगवान आखिर दुख क्यों देता है, भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है, भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है, किस लिए प्रदान करता है? बहुत अच्छा चलते चलते, बहुत
खूब वैभव संपदा धन दौलत सत्ता सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता? फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है, ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है? कारण क्या? कभी विचार करिएगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पर बीच बीच में ये खड्डे क्यों आ जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं? सुख का जीवन चल रहा था कितने साल, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, अरे गुरुजी हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है, मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह वो भी सब नष्ट हो गए हैं, अब आखिरी मकान बचा है उस पर भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो, अब हम करें क्या, आप बताओ। तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला, दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल, कितने साल निकला, और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय। हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रहे थे उनके यहां से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे, बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा, भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली, और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहां पर बैठे हैं, तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा है और कैसे आनंद का सुख दे रहा है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पहले का समय जो निकला और आज का जो समय है उसमें ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से तो है, ये किसी बच्चे ने लिखा है, पहला परिचय ही है उसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बीना देवी हैं कोई बेटियां, बीना देवी हैं कोई, बाबा की मेहर हुई है और आपने लिखा, बैठ जाए। और भी बहुत सारे ढेर सारे लोगों ने अपना अपना भाव इन पत्रों में लिखा हुआ है, भले आप आस्था पर कथा सुन रहे हो पर आस्था तो जुड़ी हुई है ना आपकी भगवान से, आप भले अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा तक लेकर बैठे हो पर बैठे तो हो ना। बुरा वक्त भगवान क्यों देता है, उसको क्या पड़ी जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा, पर बुरा वक्त देने का उसका सुखपूर्ण जीवन में, बुरा वक्त बुरा समय थोड़ा सा दुख की घड़ी भगवान इसलिए देता है कि अपनों में छुपे हुए गेरों को और गेरों में छुपे हुए अपनों का परिचय भगवान करा देता है, भगवान कराता है। बुरा वक्त देकर भगवान ये दिखाता है कि अपनों में कितने गेर छुपे हुए हैं, अपनों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, अपनों में कितने बेरी छुपे हुए हैं। और बुरे वक्त में गेरों में कितने अपने छुपे हैं, जब दुख की घड़ी आती है कोई पराया भी अगर आपको सपोर्ट कर देता है, कोई आपको पराया भी आकर सहयोग दे देता है ना, तो आपको उसमें लगता है कि बताओ इससे तो मैंने सोचा नहीं था और इसने मेरा साथ दे दिया। गेरों में छुपे अपने नजर आते हैं और अपने में छुपे हुए गेर नजर आते हैं, ये बुरा वक्त हमको दिखा देता है, ये बुरा वक्त दिखाता है। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है, हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं, पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है, गेहूं की फसल हो चाहे सोयाबीन की फसल हो चाहे मक्का की फसल हो चाहे ज्वार की फसल हो चाहे बाजरा की फसल हो चाहे सब्जी हो चाहे लौकी हो चाहे कद्दू हो चाहे आलू हो कुछ भी टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से डाली से नहीं तोड़े जाते जब तक कि ये पक नहीं जाते, ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं, जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, एक रख कर दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा, बच्चे को पड़ेंगे जब जगत के थपेड़े तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका।
में छुपे हुए गेरों को भगवान सामने लाकर छोड़ देता है। कब? दुख की घड़ी में। जब आपके समय में सुख होगा ना तो कजन कितने अपने हो जाएंगे, जब आपके पास सुख होगा ना कजन कितने। एक लड़का जिसका जॉब नहीं लगा और एक लड़का उसी का जब जॉब लग गया, दोनों समय को लिख कर रख लेना बेटा, दोनों समय लिख कर रखना रे बाबू। एक जब जॉब लगे तब और एक जॉब ना लगा हो तब। जब जॉब नहीं लगा होगा काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा या कोई काम आप नहीं कर रहे होगे तो दोस्त भी कमेंट्स करेंगे साहब, परिवार वाले भी आपके ऊपर कभी कभी ताना दे देंगे, वो दिन भर बैठा रहता जाता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं है, दूसरे भी आपको अपशब्द कर देंगे। और अगर रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहोगे कि अब लड़का बड़ा हो गया इसकी शादी करना है इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, तो रिश्तेदार भी कह देंगे करता क्या है अभी यार, लड़की देख लो वो तो ठीक है, कि लड़की को भूखी मारेंगे और क्या कहेंगे, क्या संबंध कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ तो करे। और जब अब ये तो हो गया, तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा काम धंधा नहीं रहा तब तक, अब काम धंधा लग गया, जॉब लग गया, सर्विस करने लगे, व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कहीं दुकान डाल ली कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से, कहीं दुकान पर बैठ गए और बाबा ने तुम्हारे ऊपर जब करुणा कर दी, फिर तुम्हें ना तो मौसी को कहना है कि लड़की देखो, ना रिश्तेदारों को कहना है कि संबंध देखो, फिर तो उड़ उड़ के संबंध सामने आ जाएंगे साहब, ऐसा जोरदार छोरा इतना बढ़िया, ना तो कछु खाए ना कछु पिए, इतना जोरदार व्यवहार नहीं, अब उसकी कितनी गलती दिख रही थी कि तुम्हारा छोरा तो मुंह फटे, जब जॉब नहीं लगी थी कहते मुंह फटे कुछ भी बोल देता, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अब उसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। हम तो इस कुबेरेश्वर धाम से बाबा से विनती करेंगे, इस आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके चेहरे पर वो स्माइल दे, वो प्रसन्नता दे कि आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ भी कहें पर जनमानस एक बात तो कहे कि लड़का है तो यही है, छोरी है तो यही है, व्यवहार है तो यही है, और उसके लिए उसका सम्मान, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा। मेरा युवान बहन भाइयों से निवेदन है कि आप शंकर की आराधना तो कर कर देखो, मेरे पिता बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा, पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से, दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे, कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे, फिर जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे, एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया फीस ला कर देना, जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया तो आपको छोड़ेगा क्या? मेरे भारत की बेटियाँ हों, बेटे हों, जवान बहन भाई हों, मेरा तो कहना रहेगा कि हारना मती कभी जिंदगी में, उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, पर आपके दिल में हृदय में शंकर को बिठा कर रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपके इष्ट को आप भूल जाओ, आपके इष्ट का भी आप स्मरण करो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, जो पास में होता है ना वो बहू कितनी भी बेरी हो पर पास में होगी, दुख होगा तो यही आएगी, पुणे और मुंबई वाली नहीं आएगी, फोन लगा कर भले बोल देगी मम्मी कुछ ले लो खा लो चक्कर आ रहा है, पर वो नहीं आएगी, पास वाली आएगी, भले वो गाली देती हो, अपशब्द कहती हो, ताना देती हो, पर आएगी वही। उसी तरह सबको बुलाकर देखना और एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को बुलाकर देखना, मृत्यु लोक का एक एक कंकर शंकर है साहब, तब निकल कर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपके कष्ट में, आपके रोग में, आपकी बीमारी में, आपके हर पल कहीं कर्जा हो गया, कहीं व्यापार नहीं, कहीं कुछ नहीं, इस दुख को भगवान दिया है जान कर कि अब परख ले, तेरे अपनों में तेरे गेर छुपे हुए हैं, तेरे अपनों में कुछ ऐसे छुपे हुए हैं जो तुझे कब बर्बाद कर सकते हैं, और परख ले, ये समय है तेरा परखने का कि गेर नहीं हो, और वो तुरंत आकर कह देते हैं क्यों, गेरों में भी कुछ अपने छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूर से गेर जिसको तुम पहचानते तक नहीं हो, और वो तुरंत आकर कह देते हैं क्यों चिंता करता है भाई, क्यों चिंता करती हो जीजी, क्या करना, टेंशन मत लो, वो गेर भी अपने हो जाते हैं, वो समय यही दुख का है। सुख तो आएगा इस व्यासपीठ से, ये भादो के महीने में, आज बलराम जी की छठ है, दाऊ जी महाराज का जन्म दिवस है, शेषनाग का अवतार आज पृथ्वी पर भगवान दाऊ जी महाराज के रूप में हुआ था, ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। आपने अगर शंकर की कथा दिल से सुनी है ना, हृदय से सुनी है ना, तो विश्वास रखकर कहता हूं कि भगवान सुख तो तुमको देगा, दुख तुम्हारा कटेगा, ये पक्का।
पर अभी अगर दुख की घड़ी भी चल रही है, अगर दुख का समय चल रहा है, तकलीफ चल रही है, बहुत समस्याएं चल रही है, घबराना मती, उन समस्याओं में अब डोलना मती, शंकर को छोड़ना मती। चाहे दुनिया का कितने व्यक्ति कह दे तो भी कह देना मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, एक शब्द नहीं सुन सकता। और मुझे विश्वास है कि मेरा देव अधिदेव महादेव, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ, मेरा ओमकार, उसने अगर मेरी पुकार सुनी है और मैंने दिल से अगर कथा सुनी है, तो झोली अगर लेकर मैं आया हूं उसके दरबार में, तो खाली कैसे जा सकता हूं, कैसे खाली जा। बस लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शरीर से प्रेम मत करो, ये बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत अच्छा है, इस शरीर का प्रेम नहीं होना। भगवान राम की मूर्ति कितनी सुंदर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, शंकर भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, जगदम्बा की मूर्ति कितनी सुंदर है, ये केवल एक मूर्त से प्रेम नहीं, ये केवल एक स्वरूप से प्रेम नहीं, उस मूर्त के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है, उस मूर्त के अंदर जो शिव तत्व छुपा हुआ है, हमें उसको पहचानना। हमें उस शंकर को पहचानना, दुख मिले कितना ही मिले, हारना नहीं है। अभी कल शाम को 6:30-7 की बात होगी, एक माता जी ने फोन कर कहा कि गुरुदेव को धन्यवाद दीजिएगा, मैंने मेरे बेटे को कहा था तू ओलंपिक में जा रहा है, मैंने सुना है कथा में कि तू एकांत का जो शिव मंदिर हो एकदम अकेला, जहां शंकर कहीं एकांत में हो, उस शंकर की तू आराधना कर ले एक बार। और वो बच्चा, वो बेटा शिव की आराधना में कुछ दिन लगा, मेहनत भी करा और शंकर की आराधना। उस बेटे ने कहा मां शंकर भगवान का मंदिर बहुत कचरा पड़ा होता है, मैंने साफ भी कर दिया है, सब कर दिया है, अब बाबा चाहेगा तो मेरे जीवन के भी जाले साफ कर देगा और एक दिन मुझे चमका ही देगा। वो बच्चा जब ओलंपिक में निकल गया तो शंकर के मंदिर का, उसकी माँ का कहना था, हम तो जानते नहीं, नाम भी स्मरण नहीं, पर शिव को उसने पूरे मंदिर में शंकर को जल से अभिषेक का आनंद लिया, शिव तत्व को जान गया वो कि शंकर तत्व क्या है, शिव नाम क्या है, शंकर का अनुमोदन क्या है। एग्जाम देने से पहले, परीक्षा देने से पहले, कंपटीशन एग्जाम में बैठने से पहले, किसी भी तैयारी को करने से पहले आपको एक तैयारी करना है कि शंकर मेरे साथ है। दुनिया तुम्हारे साथ है ये एक अलग बात है, सब तुम्हारे साथ में ये एक अलग विषय है, पर शिव मेरे साथ में मतलब जो एक विल पावर है, जो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्त्रोत है, जो बहुत बड़ी एनर्जी है, वो हमारे साथ है। और शंकर कहाँ है, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तो शव है, श्वास ही शिव है, शिव है तो शरीर है, और श्वास निकल गई तो शव है, शरीर शिव से है, ये शरीर शिव से है। बस दिल से पुकार लो उसको, क्यों ना आएगा वो, क्यों ना पहुंचेगा वो। और जब राधा जी बरसाने में रहती थी, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत पे रहते थे, कौन कौन गया है गोवर्धन और बरसाना, गए हो सब, रखो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे आप भी गोवर्धन बरसाना गए होंगे। गोवर्धन पर्वत से बरसाना, राज दादा के दरबार से गोवर्धन नाथ जी से बरसाने की जो टेकरी है लगभग 30 के करीब में तो होगी, इतना किलोमीटर, ठीक है। अब जरा विचार करिएगा, राधा जी टेकरी पर बैठकर याद करती थी बरसाने के उस शिखर से कि मुझे कृष्ण की याद आ रही है, और भगवान कृष्ण दौड़ कर आ जाते थे, राधा के सामने पहुंच जाते थे, भगवान कृष्ण याद करते थे गोवर्धन पर्वत पे, बंसी का नाद करते थे और राधा आ जाती थी। जरा विचार करिएगा, ये बंसी की धुन तो अपनी जगह पर है, पर हृदय की जो धुन होती है ना, ये परमात्मा को भी हिलाकर रख देती है कि भगवान पुकार रहा है, हृदय की धुन से पुकारिए। हृदय की धुन से पुकारिए।
अरे दुनिया के लोग कहते हैं कि सांप कानों से सुनता है, एक आधार उठा के पढ़ लेना, सुनता है कि नहीं सुनता। तो क्या जब उसके कान ही नहीं होते तो फिर सुनता कहाँ से? तो वो महाराज वो बीन बजाए और सांप यूं यूं नाचे, अरे तो वो बीन बजाए सांप नाचे वो अलग बात है, जब बीन बजती है और उसका जो कंपन होता है वो कंपन सर्प पृथ्वी पर रेंगता है, कंपन से पृथ्वी का गर्जना होती है, थोड़ा सा कंपन उस रज में उस स्थान पर होता है जिससे सांप को ये महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है, कोई सामने खड़ा हुआ है, ये सर्प को कंपन होता। जब एक केवल बीन बजा देने से सांप में कंपन हो जाता है तो तुम्हारे मंत्र उच्चारण से, तुम्हारे नाम उच्चारण से तुम भगवान को पुकारोगे, नाम लोगे, स्मरण करोगे, जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाओगे, शंकर को काली तिल, काली मिर्च आदि आदि वस्तुएं आप समर्पित करोगे तो क्या उसके भीतर कंपन उत्पन्न नहीं होगा? स्पर्श मात्र कंपन था जाता। हम युवान बेटा बेटी कहते हैं गुरुजी हम मंदिर बार बार जाएं, तो अच्छी बात लगती है, हम मंदिर नहीं जा सकते। कौन कह रहे तुम मंदिर जाओ? हमने तो पहले भी कथा में इस कथा में व्रत शिव महापुराण में कहा था कि भगवान को जितना मंदिर प्रिय नहीं है, भगवान को उतना अपने भक्तों का दिल प्रिय है, क्योंकि वो मंदिर में दुनिया की चलती है और आपके दिल में मेरे भोलेनाथ की चलती है। भगवान को आपका हृदय प्रिय है, भगवान को आपका दिल प्रिय है, भगवान को आपकी चित्तवृत्ति प्रिय है। क्यों? क्योंकि मंदिर में ट्रस्टियों की चलेगी, मंदिर में समिति वालों की चलेगी, मंदिर में दुनिया वालों की चलेगी, मंदिर में आए हुए मेहमानों की चलेगी, मंदिर में भक्तों की चलेगी, पर आपके दिल में जो भोलेनाथ बैठा है, आपके दिल में आपके हृदय में जो शंभू बैठा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसमें किसी की नहीं चलती, उसमें तो मेरे देव अधिदेव महादेव की चलती है, बस वही चलाता है और उसी की चलती है। बस उसकी चलती और किसी की। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उससे बढ़िया कौन की हो सकती? जोधपुर के राजा के यहां पर एक सैनिक काम करता था। उस सैनिक काम करता था तो आगरा का राजा जोधपुर मिलने के लिए राजा के यहाँ गया, तो जोधपुर के राजा ने उठकर आगरा के राजा के सामने हाथ जोड़कर सिर नवाया। तो जो सैनिक काम कर रहा था, जो चौकीदार काम कर रहा था, जो द्वारपाल काम कर रहा था, वो जोधपुर के राजा के पास आकर बोला आज से मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। तो उस आगरा के राजा ने पूछा कि तुम्हारी नौकरी केवल क्यों छोड़ रहा है, अभी तक तो अच्छा खड़ा था। जोधपुर के राजा ने कहा जब ये नौकरी पर आया था, सर्विस पर आया था, तो इसने कहा था मुझसे पूछा था कि आप कितने बड़े राजा हो, तो मैंने कहा था मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं। आप किसी के आगे सिर तो नहीं झुकाते हो? कहा नहीं झुकाते, लोग मेरे आगे झुकाते हैं। इसने कहा था अगर आप किसी के आगे सिर झुका दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, इसलिए जोधपुर का राजा कराए तो इसने मेरी नौकरी छोड़ दी। आगरा का राजा बोला चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, तुम तो किसी के यहाँ सिर नहीं झुकाओगे, किसी के यहाँ नहीं, सबसे बड़ा राजा मैं हूँ। उसके यहाँ नौकरी करी, उसके यहाँ नौकरी करी तो वो एक बार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने चले गया। आगरा का राजा वहां गया तो बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा बंद था, तो बिहारी जी के सामने उसने सिर झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया तो इसने कह दिया तुम्हारी नौकरी भी छोड़ी, तुमने सिर क्यों झुकाया? अरे आगरा का राजा बोला ये वो दरबार है जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है, तो फिर हम तुम्हारी नौकरी काहे को करें, हम तो इसी की नहीं करें। अब उसकी नौकरी में लग गया। अब मंदिर में नौकरी कौन देता है, कौन तनख्वाह देगा, कौन क्या देगा? तुम तो पत्ता लाए, भोजन करो, दो रोटी पाओ और पड़े रहो, और तुम्हें जो करना करते रहो, राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो। अब मंदिर में लगा दिया बिहारी जी के बाहर दरवाजे पर, चौकीदार बनकर बैठ गया, किसी को नहीं आने दे, किसी को नहीं जाने दे। अब जितने कीर्तन करने वाले ढोलक पीट पीट के निकले, अब ये तो ढोलक को पीटे, इनके पीट दे, तो पूछे भजन गाने वाले तुम हमको क्यों पीट रहे हो, कि हमारा महाराज अंदर सो रहा है और तुम रात्रि को ढोलक बजा रहे हो, चलो यहां से बाहर जाओ, उनको भगा दिया। नौकरी करते 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 सालों निकल गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये यहां पर नौकरी कर रहा है, इसको कुछ मिलता नहीं, बस भोजन मिल जाता है, कोई लाकर दे देता है मंदिर में, कोई प्रदान कर देता है इसको लाकर। एक दिन ये बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो इसको पूरे वृंदावन के जो पंडा थे उन्होंने औषधि दी, तो इसने कहा हम तुम्हारे हाथ की औषधि औषधि नहीं लेंगे, हम पहले भी बीमार पड़ते थे तो राजा रानी आके हमको दवाई देते थे, जब जब हम बीमार पड़े तो राजा रानी ने आके हमको दवाई दी, राजा रानी आएंगे दवाई देंगे तभी हम लेंगे, जाओ सूचना दे दो। अभी पंडा होने सोचा यहाँ कौन सा राजा और कौन सी रानी, दवाई दे रहे अपने माथे मर जाएगा, अंदर तो एक बार भी नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ राजा है कि रानी है। चल मेरा बांके बिहारी राजा बन गए, राधा रानी रानी बन गई, दोनों ने जाकर दरवाजा बजाया, अरे दरवाजा खोलो हम आए हैं राजा रानी। दरवाजा खुला, अंदर गए, राजा रानी ने अपने हाथों से औषधि दी, ठीक हो गया, आराम लग गया।
राजा रानी भी चले गए। अब एक दिन भजन वाला की टीम जा रही थी मंडली, उनकी और इसका विवाद हो गया। इसने कहा अंदर राजा रानी है, तुम गाना बजाना बंद करो। ये बोले अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बिहारी जी हैं। कि नहीं राजा रानी है, नहीं बिहारी जी हैं, नहीं राजा रानी। दोनों में झगड़ा हो गया। संत कहते हैं अब भी दरवाजा खुलने वाला है, हमारे साथ अंदर चलना, हम दिखा देते। और दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए। दोनों अंदर पहुंचे। भक्तों के लिए तो भगवान है ही, पर जिसने दृढ़ता मान ली हो, जितने विश्वास पूर्ण कर लिया हो, पट खुलते ही जैसे ही अंदर गए, तेरा हटा और आवाज लगाई, महाराज महारानी जल्दी बाहर आओ। बिहारी जी और राधा रानी दोनों राजा और रानी के रूप में सामने दर्शन दे, स्वयं सामने। विश्वास पूर्ण होगा तो क्यों ना भगवान मिलेगा, भले कुछ ना मिले। पर मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। उसके दरवाजे पर जाकर थोड़ी सी चाकरी कर लेना, अगर दुख आ गया, कष्ट आ गया, और उस दुख और कष्ट में अपनों में छुपे गैर नजर आ गए, और गैरों में छुपे जब अपने नजर आ गए, अब कुछ मत करना, अब उसकी शरणागति ले लेना, अब उसकी शरणागति। और उसकी शरणागति लेकर उसके चरणों में बैठकर दिल से आप कहते रहे, जैसे हाथ में जल का जब पात्र लेकर आप शिव मंदिर में जाते हो, व्रत करने वाली माता हैं, व्रत वाले दिन जब पूजन करने के लिए, चाहे हर छठ की पूजन करे, हरताली का पूजन करे, चतुर्थी का पूजन करे, आंवला नवमी का पूजन करे, कार्तिक का पूजन करे, श्रावण का पूजन करे, माताएं जब व्रत करती है तो जैसे पूजन की थाली लेकर जाती है, जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मंदिर जाते समय जल का पात्र लेकर जाता है, उसी तरह जल का पात्र और पूजन की थाली जैसे तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही विश्वास लेकर तुम शंकर के पास जाना। केवल जल नहीं, केवल पूजा की थाली नहीं, विश्वास। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, बंदी है पाप की गठरी। इतना पाप मस्तक पर चढ़ा हुआ है, ये गठरी बड़ी भारी है, उतारो तुम ही त्रिपुरारी, दुनिया हंसी उड़ाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब। दुनिया के लोग हमसे नहीं कहने वाले हो, आपको पहले भी कहा, फिर कह देते, कोई उपाय करना तो आप करना, शंकर जी की पूजन बताई तो आपके लिए बताई, कोई अनुष्ठान बताया तो आपके लिए बताया। और ये सीहोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो बेल मिले, ना भभूति मिले, ना नरियल मिले, ना कुछ प्रसाद मिले, यहाँ तो केवल विश्वास मिलता है कि शंकर की कथा में जाओगे तो विश्वास पैदा हो जाएगा, और वो विश्वास शिव से मिला देगा। आप हम पर विश्वास मत करना, आप हम पर विश्वास मत करो, मनुष्य पर कभी विश्वास मत करो। मानव पर विश्वास नहीं करना, मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। मनुष्य मानव आपका विश्वास कभी भी तोड़ सकता है, अगर विश्वास करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इस शिव पुराण पर करना, ये कभी नहीं टूटेगा। हम तो इस व्यास गादी से नीचे उतर जाएंगे, प्रदीप मिश्रा है, हमें तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आश्रम पर, जहां पर गौशाला पर, कुबेरेश्वर धाम में कोई आते हैं और कहे गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाना, तो हमसे खिंचवा कक्का करोगे, फोटो उसके साथ खिंचाइए।
संसार के साथ नहीं, संसार को संभालने वाले के साथ में रहिए। थोड़ी जान पहचान अच्छी कर लो, विधायक जी से मिलना हो, सांसद जी से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो, तो ध्यान देना महाराज, उनका जो पीए होता है उससे थोड़ी पहचान करना पड़ती है। पर पीए से पहचान करो मना नहीं है, किसी के साथ कोई रहे उससे पहचान करो मना नहीं, पर अपना नंबर मत दे देना मोबाइल का, ना अपना नंबर दो ना व्हाट्सएप नंबर दो। उसी तरह मंत्री से, विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई महंत, कोई संत हो, कोई कथाकार हो, कोई वक्ता हो, अगर संपर्क करना है तो आप उनसे करें, डायरेक्ट शंकर से ही संपर्क रखना, ये नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों से संपर्क रखोगे तो ये दिन भर तुमको लूटते रहेंगे, हम तुमको एक मोली बना के दे देंगे, लाओ 500, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लाओ नरियल, हम तुम्हारा ये कर देंगे, लाओ 200। ऊपर वाला कभी नहीं लेता तुमसे। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिखा हो कि भगवान ने लिखकर भेजा हो कि तुम मुझे 500 रुपए का पेड़ा चढ़ाना, तब जाकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा? शिव महापुराण में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये तो नीचे वाले 500 लिया हो, ये तुमने जो नंबर बांटा है ना, ये तुमने जो नंबर दिया है ना पीए को, ये जो नीचे वाले को जो नंबर दे देते हो ना असिस्टेंट को, ये नंबर देना गलत है, ये व्हाट्सएप नंबर देना गलत, ये नंबर देना गलत, इनको फेसबुक, इनको यूट्यूब पर जोड़ना गलत। डायरेक्ट जुड़िए। शिव महापुराण की कथा बस एक काम कर रही है, आज जो पूरा विश्व शंकर का हो गया वो एक काम करा है शिवपुराण ने, इसने डायरेक्ट जोड़ दिया, बीच में कोई रहा ही नहीं है कि 500 यहां देना। दुनिया के लोगों को दुख तो यही हो रहा है कि हमारा 500 क्यों जा रहा है, ये डायरेक्ट जोड़ रही है, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि अंतिम क्षण जब व्यक्ति का होता है, अंतिम क्षण में कोई बीच में होता है नहीं। तुम्हारा काका जी आके बोल दे यमराज से इसके मत ले जाओ छोरा के, मुझे उठा ले जा, बीच वाला बोल दे। जब शादी संबंध हो, ईमानदारी की बात बोलना, आपने भी बहुत शादी संबंध कराए होंगे, शादी संबंध होता है तो उसमें बीच वाला होता है, बोलो होता कि नहीं होता? मामा काका फूफा नाना नानी जो भी होगा बीच में कोई होगा, जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निप जाए तो कोई बात नहीं, बीच वाले ने अच्छा करा, और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया, हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया, हमारे माथे, सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर देगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था, अब हमें क्या मालूम, तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया, ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ, जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी सारी पुड़िया ही मिलती रहे, कहीं इधर लोन की, कहीं इधर से, कहीं इधर की, जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा, तो माल इकट्ठा, ने फोन लगा के पूछे, सीवर वाले महाराज से पूछा कि हमारे वहां गए थे, वहां से मिला था, वहां से गए थे, वहां से मिला था, इतना सारा इकट्ठा कर लिया, इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहां बांध दिया, मटपोटली बांध दी, जब जब बीच के चक्कर में रहोगे तब तब तकलीफ। जितना तो भगवान का नखरा नहीं उतना बीज वालों का नखरा रहे, मना कर दिया नहीं एक बार, निकलो इधर से। अरे बोलो तो, बोल देना चाहिए दिल की बात, तो बोल देना चाहिए। शंकर की कथा चल रही है, अलमस्त होकर सुनो, शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, ये दिल की कथा है, बीच वाला चलो उधर चलो, साहबा में मंत्री जी से मिला, अभी टाइम नहीं है, बोला था ना इतनी बजे मिलेंगे, चलो साहबा में ऐसा, और अंदर से मंत्री जी डायरेक्ट निकल के, तो क्यों रोका इसको, क्यों बोला ऐसा, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा काम, जी बस शंकर से डायरेक्ट संबंध बनाइए। सियोर वाला महाराज भी बीच में नहीं आना चाहिए, यहाँ तो केवल शिव पुराण है, शिव पुराण की सीढ़ी बना लो, सीढ़ी मतलब शंकर की कथा जो तुम्हारे श्रवण में गई है वो सीढ़ी का काम कर रही है, रस्सी का काम कर रही है और तुम्हें शंकर तक लेकर चली गई है। वो सीढ़ी कथा को बना लो कि मैंने कथा में सुना था, मैंने कथा में स्मरण किया था कि ये कर दूंगी तो शिव मेरा कार्य कर देगा, शंकर मेरा हो जाएगा, बस वही सीढ़ी हमें बनानी, विश्वास की सीढ़ी, विश्वास की सीढ़ी बनाइए, शिव मिलेगा। और विश्वास की सीढ़ी जब लग गई तो शिव तत्व मिला, शिव तत्व मिला। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है, आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना, ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा के आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्मपत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी,
और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बढ़िया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपने औलाद नहीं है, मैं नहीं संतान हूँ, मेरे यहाँ संतान नहीं है, पति समझा देता था, भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है अभी? तो तू 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल, 4 साल हुए, उतने में घबरा गए? शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब, हमारे यहां संतान नहीं है, हमारे यहां संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा, विश्वास रखो। कहां का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरूका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर पीकर सोए, क्यों ना संतान देगा? उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पर भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब उसने, कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर चले जाते, इतने इतने ढेर। पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता? वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू? ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर? सब दिया। बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना एक और मुसीबत ले बैठे, हे डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो ना थे, इतनी मुसीबत तो पहले से पड़ी हुई थी, पहले से तो इतना दुख था, पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और जैसे शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नीच सुनो तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे, डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है, ये दिल ही दिया है। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ।
तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ, ये क्या कर दिया भोलेनाथ, ये क्या कर दिया मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ बोले ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये 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 क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हृदय दे दो उसको, दिल परमात्मा को दियो, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, भगवान को हृदय दे दो, मन दे दो, जैसे पानी का पात्र लेकर जाते हो, पूजा की थाली लेकर जाते हो, ऐसे विश्वास लेकर भगवान के पास जाओ। और बनिया वैश्य जिसकी धर्म पत्नी को संतान नहीं है, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, हृदय चित्त में डूबा हुआ है, और वो अपनी पत्नी को समझा रहा है, पत्नी से कह रहा है नहीं दिया ना भगवान ने संतान, कोई बात नहीं, काय को टेंशन लेना, काय को चिंता करना, क्यों कहना है कि झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, बाबा हो सकता है कि मेरे कर्म की झोली थोड़ी सी तंग हो, मेरे कर्म की झोली हो सकता है थोड़ी तंग हो, पर तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूँ, लाखों के दुखड़े जो हर गया भोले बाबा,
तू मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। अगर सारे दुनिया के दुखड़े तूने हरे हैं, सबको लाभ मिला है, सबको फल मिला है, सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया? जन्म तूने दिया, मृत्यु तू देगा, पालन तू करेगा, पेट तू भरेगा। मैंने शिव पुराण में सुना है सब कुछ तू करता है, तो दुखड़े भी तू ही हरेगा, और कौन हरने वाला? वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उसका। अब पत्नी गई किसी जगह पर, वही बीच वाले, पत्नी गई किसी यहाँ, जाकर पूछी गई कि साहब संतान नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहीं के ने कह दिया, अगर तुम किसी एक बच्चे की बलि दोगी तो फिर तुम्हारे घर में संतान होगी। अब पत्नी ने पति को कहा, मैंने पूछा है, अभी ऐसा चल रहा है, जब दुख की घड़ी आती है ना, तकलीफ आती है मनुष्य को, तो वो 10 जगह जाकर पूछते हैं, अभी तकलीफ बहुत सारी है, तो 10 जगह जाएंगे, साहब पत्रिका देखो, साहब ये देखो, साहब कौन सा ना, कौन सी बीटी, कौन सा काम, क्या करें, तो 10 जगह पूछोगे, 10 जगह पर जाओगे। पत्नी भी गई वैश्य की, 10 जगह पर जाकर पूछा, 2-4 जगह कह दिया कि बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि दो, तब तुम्हारे गोद भरेगी, तब तुम्हारी संतान होगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा, ऐसा कोई होता है कि दूसरे की बलि दोने अपने संतान और दूसरे के बच्चे को मारकर अपने बच्चे लेने से मतलब क्या हो? छोड़ दे, तू समाप्त कर ये बात, भगवान देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, भगवान को जो देना होगा देगा, कुछ कारण होगा, कोई तो कारण हो सकता है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, कोई कारण हो सकता है। किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, रिटर्न बढ़ेगा, किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, किसी कारण से व्यक्ति जाग जाता है, कि धनता बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, अरे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सो कर आए, अरे कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ बच गया, ऊपर से गिरा बच गया, पानी में डूबा बच गया, कोरोना महामारी हो गई 90% शरीर बेकार तो भी बच गया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के काटे से थोड़ी सी देर का बुखार आया, निमोनिया बिगड़ी गया, निपटी गया। बताओ कोरोना में बच गया, निमोनिया से निपटी गया, कहीं नहीं हुआ था साहब, बुखार आया था मात, कहीं नहीं हुआ, रात के केवल मक्का की रोटी खाई थी, वही कहीं नहीं, बस बस जरा सा कुछ हुआ है, जरा सा अंदर मुंह में बहुत तेज घाव हो गया, कैसे हो गया? मैंने कहीं नहीं खाया, कुछ नहीं खाऊं, मैं ताड़ी तेड़ी तो कहीं खाऊं नहीं, ये तुम्हारी सुपाड़ी ने ये सब सामान तो मैं खाऊं नहीं, फिर ना जाने मुंह में घाव कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो खाया होगा, ऐसे कैसे हो गया? तब मालूम पड़ा 15 दिन पहले चना खा रही थी, और चना जो था यहां भर गई, और जल्दी जल्दी सहेली से फोन पे बात करने के चक्कर में गाल को दमोच गई दांत से, अब वो दांत से दमोचा, वो बार बार वो कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, घाव होता चले गए। अब डॉक्टर के पास गई, सर बता दो क्या परेशानी? कहीं नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना अब मत खाना, अभी तो खाया अब मत खाना, नहीं खाऊंगी आज के बाद, हाथ नहीं लगाऊंगी उसकी जगह मूंगफली का दाना सेक के खा जाऊंगी, मतलब तो ये की दिया। अब सांप भी डस ले तो भाई मिल जाता है किसी को जीवन दान, एक चींटी काट खाए तो व्यक्ति मर जाता है, तो मर जाता। एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 15-20 साल पहले की, और ज्यादा समय ना हुआ होगा, 10-15 साल से ज्यादा नहीं होंगे, 10-15 साल से। एक वहां पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहाँ जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे बड़ा इधर साइड में बना था, उसको कहते थे ट्रेजर आइलैंड वगैरह, क्या बोलते हैं इंदौर में जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है, तो उसके सामने की घटना वो ध्यान दीजिएगा जरा। पति कहे मैं मॉल में से सामान लेकर आया, पत्नी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो गाड़ी में बैठी, एसी चालू, कांच लगा हुआ, अब तो इंदौर में ये गाय बैल कुछ मिलते नहीं है, उस समय पर वो कांच के अंदर बैठी, अपना बढ़िया मोबाइल चला रही, पति सामान लेने गया, अब देखिए कितनी सेफ गाड़ी के अंदर सब बढ़िया, और मालूम पड़े 2 बेल 2 नंदी
लड़ता लड़ता आया, दौड़ता दौड़ता, और एक तो गाड़ी के सामने रुक गया ने, दूसरा इधर से भड़ी का माथा सिंह अंदर गया और जो गाड़ी में बैठी थी, देखिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, समय घड़ी पल क्षण सब निश्चित है। आपके अच्छे समय का भी कोई आएगा, समय घड़ी पल भगवान लिखा है, दुख टालने का भी समय भगवान लिख कर रखा है। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, कुछ सालों बाद बिल्डिंग बन गई, तो जब जहां कचरा फेंकते थे वहां मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, जिस प्लाट में तुम्हारा गंदा पानी जाता था वहां मकान बन गया, इतना जोरदार बना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखो क्या जोरदार बन गया, तो जहां कचरा फेंकते थे झाड़ू लगा के सारा सामान फेंक के आते थे, सारा कचरा वहां पड़ा रहता था, वहां जोरदार बंगला बन सकता है। तो अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने दिल में यह बात उतार कर रखना कि कितना भी दुनिया कचरा पटक दे और कितना भी दुख मिल जाए, एक ना एक दिन बंगला तो बन ही जाएगा, यह पक्का। घोड़े के भी दिन फेर देता है वो देव अधिदेव महादेव, दुनिया कचरा फेंक रही है उस प्लांट का भी दिन फिर जाता है, बंगला बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तो उसने तुम्हें पैदा करा है, उसने जन्म तुम्हें दिया है, माता के गर्भ से तुम पैदा हुए हो और उस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा, दिन तो तुम्हारे भी फेरेगा रे। हो सकता है शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अच्छा समय आते 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 भगवान कुछ कृपा कथा तत्व की ऐसी बिठा दे जिससे तुम्हारा हाथ मेरा देव अधिदेव महादेव पकड़कर खींच कर बाहर कर दे, ले अब चल मैं तुझे छोड़कर आता हूं, कहां जाना है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है, कितना ऊपर चढ़ना है, बस छल मत करना, बेईमानी मत करना, कपट मत करना, झूठ मत बोलना, प्रपंच मत करना। शंकर कहते हैं हाथ पकड़कर मैं छोड़कर आऊंगा और फिर निवेदन करूंगा। कुबेरेश्वर धाम की इस धरा से आप शिवपुराण की कथा सुन रहे हो, इस भूमि का प्रताप ही कुछ दूसरा है। इस भूमि से जहां से आप कथा सुन रहे हो, सारे तीर्थ गए होगे माना, सब जगह गए होगे माना, पर बाबा जब ये लॉकडाउन हटा दे, इस भूमि पर अभी शिव नहीं बैठा, पर यहां का जो हृदय का सुख होगा वो शंकर ही दे सकता है, आपकी कामना वही पूर्ण कर सकता है। इस भूमि पर आने के बाद छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, झूठ नहीं, इस भूमि से जो मिलेगा वो आपका जीवन सार्थक कर सकता है। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से सुन रहे हो, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। बस कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण, 3 घंटा जब कथा सुनो, चित्त वृत्ति शिव में लगा लीजिए, लगना चाहिए आपको कि शंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर। कभी कभी आपको महसूस होना चाहिए आज पार्वती और शंकर कहीं घूमने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। आज मैं जब यहां पहुंची, जब मेरा चित्तवृत्ति यहां लगा, ऐसा लगा कि शंकर यहां बसता है, भले शंकर नहीं बैठा, उसका कंकर शंकर है। पिछले लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन से लेकर कितने साल, 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि से चल रही है, तो ये भूमि का भी तो कोई प्रताप होगा जो लगातार इस भूमि से वाणी निकले और बाबा ग्रहण करे। कुछ तो दे रहा होगा शिव, कुछ तो प्रदान कर रहा होगा शंकर। दिल दीजिए भगवान को, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारी ये फूल ने माला ने सब धरी की धरी रह जाए, कई मतलब की हम तो सीधी सीधी बात हैं, 50 रुपए की माला लेके आओ, थोड़ी इधर महाराज जी के पिनाओ ने, पंडित जी तो 2 मिनट नहीं पहने बापड़ा, और यूं बस पिनाई ही ने उतार दी, ने 50 रुपए सब धरा की धरा उधर पड़े, आओ वो पड़ी गुणा में, और 50 रुपए की माला माँ धरी। तो आपसे निवेदन है 50 रुपए की माला की जगह 50 रत्ती का दिल तुम शंकर को दे दो, रुपया मत लगाना, दिल लगाना, रखिए माला, क्या करें माला का, गणेश मंदिर जाऊंगी 15 रुपए का नारियल लेके जाऊंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएगा, नारियल की जगह दिल तो ले जा, अब दिल चप्पल में छोड़ के जा रही है, नारियल लेके अंदर जा रही है, बोलो सही है कि गलत है, दिल चप्पल में छोड़ दे, तुम देखना हो अपने काम करें, पहले तुम यहां ले जाओ, तुम चप्पल देख लीजिए, फिर हम दर्शन करके जाए, फिर तुम चली जाना, हम चप्पल देख लेंगे, तो नारियल काय को ले गई, बस सियोर वाला महाराज यही बुरा बोले और लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज बुरा बोले, तो सीधी सीधी बात है, नारियल तो लेके अंदर जा रही है और दिल चप्पल में छोड़ जा रही है, फिर भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैंने तो उल्टा सातिया बनाया, तो भगवान गणेश जी बोले सीधा कर दे, कहीं नहीं होने वाला, चप्पल में दिल छोड़ के आई थी, उल्टा सातिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी तेरे को, तो तू अगर दिल यहां लेके आती तो नारियल नहीं मिलाती चल जाता, पर दिल तो लाती। वहां भी खड़ी मंदिर में तो भी धक्का दे रहा उसको, इधर हो जा इधर, देखिए दिल से अगर मंदिर जाती ना तो ये कुछ भी नहीं करती, फिर तो जब उसको दर्शन, तुम तो छुपे रहो उसके पीछे, छुपे रहो जो तुमको धक्का दे रही, उसके पीछे छुपे रहो और उसको याद करते रहो, दिल से याद करना, वो पर्दे के पीछे कितना भी छुपा होगा निकल कर दर्शन देगा कि आ गया है मेरा। तो वो एक, एक, एक भजन की लाइन कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए,
आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटा ले। पर्दा नहीं कबूल हमें, ऐसे ही है कुछ, जाने दो। बस इतना समझ गए ना तुम, एक तो ये भजन वजन का चक्कर हमें पड़े भी नहीं, सो तो आते भी नहीं बहुत सारे भजन। तो कई बार तो ये बच्चे लोग भी कहते हैं गुरुजी लिख लिख के देते हैं, इतना सारा दिया एक आध तो गाओ। कभी कभी वायलिन बजाता बजाता भी उंगली दिखा देता, एक रह गया है। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हे शंभू हे शंकर, आप तो जाओ भगवान के मंदिर में, दिल लेकर जाना। नरियल तो जाने दो साहब, नरियल अपनी जगह, दिल लेकर जाना अंदर। और जब दिल लेकर जाओगे, कोई कितना भी धक्का मार कर तुमको पीछे कर देगा, कब दो क्षण में वो खींच कर आगे ले आएगा। उसको तो नजरें मिलाना है, मेरे लिए आया है ये, मेरे लिए आया है। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो भी तो बेचैन होगा आपसे मिलने के लिए। वो एक गीत की लाइन है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। जितना तुम तड़पोगे परमात्मा से मिलने के लिए, उतना वो भी तड़पेगा अपना कैलाश छोड़ने के लिए, आएगा तुम्हारे सामने आ जाएगा कि मेरे लिए आया। पर तुम उसके लिए जाना हो, चप्पल देख उसके लिए जाओ। भगवान कहते हैं ना, मंदिर को छोड़ चलाऊंगा कोई दिल से पुकारे, काशी को छोड़ चलाऊंगा कोई दिल से ओ दिल से पुकारे कोई मन से, उज्जैनी को छोड़ चला कोई देरू पुकारा तुम्हें, कमला पुकारी सब पुकारे, मीरा पुकारी तुम्हें, कर्मा पुकारी, नामदेव पुकारे तुम्हें, तुकाराम पुकारे, भक्तों के लिए दौड़ा आऊंगा कोई दिल से। तुम पुकारो तो उसको मन से, दिल से, हृदय से। एक बार तुम बस ये मंदिर जाओ नहीं तो ये टेंशन छोड़ के जाओ, तुम्हारा दिल वहां मत लगा। आरती में खड़े हो और मन लगा के रखा है मात पिता, इतने में देख लिया गई तो आरती में कह रही शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो चली गई, अब किसकी ले जाऊं। भगवान भी कह रहे आरती में खड़ी है, माता जी की आरती उतर रही है, भगवान की आरती उतर रही, अब यहां ध्यान करे कि वहां ध्यान करे। इसी चक्कर में तो प्रसाद आखिरी में बुलवाते हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते केला चित्त लग गया, हलुआ आया चित्त, चित्त परमात्मा में लगा। शिव महापुराण एक ही बात कहती है कि दिल भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही देगा। लगा जाए वैश्य की पत्नी आंवला नौमी की कथा, आंवला नौमी का व्रत कथा है। वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूँ भगवान को उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा गिरने लगा, पति से कहा मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या हो गया। जीवन में अगर दुख आए तकलीफ आए कष्ट आए तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए, भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए प्रायश्चित। अब पति ने पूछा वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया, बोलिए क्या हुआ है? बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना, जब व्यक्ति को दुख आता ना तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते, झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, साहब ऐसा हो रहा है, साहब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है।
पर छुपा 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 पाप की इतनी बड़ी गुल्लक भर ली कि एक दिन वो गुल्लक फूटी तो शरीर का कष्ट हो गया, बीमारी हो गई, रोग हो गया। अरे तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ कर सकता, तूने छुपाया क्यों? गलती हो गई, अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई अकेली, चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी। मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे तू। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया, छू। आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया, वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है सब कुछ, खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है, और जब वो देता है तो उठ नहीं पाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो देगा अगर आपने प्रायश्चित कर लिया कि मेरे को, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो, भगवान के मंदिर में जाकर बोलने में जाता क्या, सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या? हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कर दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो, आप क्षमा की मूर्त हो। कि माना के मैं पतित बहुत हूं पर पतित पावन तेरो नाम भोले त्रिपुर। हम पतित हैं तो तुम पतित पावन भी, तो हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। पवेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है, मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। पवेश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, माँ क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई, गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा, तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी, तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की, और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया, उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा। गुरु जी कुछ ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरु जी से कहो तो गुरु जी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में तब तक रहता है जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से उजल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया, घंटा लेकर आया और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ जाएगा, तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काहे को मांगू। भूखा मरने लगा तो पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, दो अगरबत्ती लगा मांग लो। उन्होंने घंटा देवता के निकाल के दो अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, मैं ज्यादा जा रहा है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूँ घंटा देवता, हमारे घर में 1 कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर, हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई, बापड़ा उनकी 2 ही चली गई, और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी के? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा, हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरे भाग्य का देना। मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना। दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा? और इसमें यह मत सोचना सियोर वाले महाराज का कुछ जाएगा, सियोर वाले महाराज जहां बाच ही नहीं रहा है, यहां तो कथा शंकर जी बाच रहा है, शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोले ना जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा, तुम साधो। डर से अगर लौटूंगा यूं खाली, अपनी किस्मत का
अपने भाग्य का जब अपने को मिलता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जिंदगी संवारता चला जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा। आपके भाग्य का मिलना चाहिए, मुझे मेरी किस्मत का दीजिए, मुझे मेरे भाग्य का दीजिए, जो मेरे भाग्य में लिखा है। और देना ऐसा कि मेरा भी परिवार देख लेना, 8 लोगों का है, 10 लोगों का है, 4 लोगों का है, 6 लोगों का है, उनकी भी कुछ तमन्ना है, उनकी भी कुछ इच्छा है, वो पूरी करूं। एक बार उन्होंने भी मन में सोचा था किसी महापुराण की कथा करवाऊं, तो मुझे जब दे ना बाबा तो इतना जरूर देना कि शंकर की कथा करवा लूं, सबकी इच्छा पूरी करूं, ऐसी कृपा कर देना, क्योंकि दास तेरा हूं, भगत तेरा हूं, तेरे इतने करीब रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिले तो मतलब क्या, तेरी कृपा चाहिए। बस तेरी दया चाहिए। तूने गलती कर दी गंगा जी, बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सिंचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है महाराज, चलने में हाफड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तू जा, तू ये कर लेना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ कर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिया गंगा मैया के, माँ में जाती आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सिंचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो, वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना सर्व जगत के सुख के लिए मांगो, सबके लिए, और जब सर्व जगत के हित के लिए मांगोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, भोले तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकाल, तेरी कृपा कुछ ऐसी है, तेरी दया कुछ ऐसी है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है, व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीपदान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीपदान का वर्णन कार्तिक महीने। कार्तिक महत्तम में एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महत्तम अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे वृंदा के पति, और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सातित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा, वृंदा का सातित्व डिगाए तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया,
और सपने में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम, अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला, भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बगीचे में गई, बाग में गई, मैंने किसका स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए, घबरा गई वृंदा, दौड़ी बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची, कोई गुरु मिल जाए मुझको मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे वहां पहुंच गई, जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची, गुरुदेव 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 उठिए, गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम, मैं वृंदा जलंधर की पत्नी, ओहो धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ, मैंने स्वप्न देखा था मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं, असुर आ रहे हैं, हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया, फेंका तो वो दोनों असुर दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है, वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके हैं, अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शिष्य का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए, दो बानर आए, बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ, वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए, शीश लाकर पटका वृंदा के सामने, वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवार मुनिवार मुनिवार, अरे संत अरे गुरुदेव अरे मुनिवार कृपा कर दो नाथ, दया कर दो, क्या हुआ अब क्या चाहती है तू, मेरा पति मर गया है इसको जीवित कर दो, जब आप राक्षस मार सकते हो मेरे पति का शीश ला सकते हो तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया, जीवित हो गए जलंधर, जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगे। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह गई। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सातित्व बड़ा प्रबल है, सातित्व टिकेगा तब जलंधर मरेगा, और वृंदा पांच दिन से जलंधर के साथ में रह गई, सातित्व डिग गया, जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने, रो पड़ी, ये क्या है, आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बन कर रह रहे हो। अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए आता है। आप कौन, भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं, मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आपने करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए, नाथ नारायण बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर, मेरा सातित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया, मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छल करा मृत्यु लोक में जब जाओगे राम बनकर प्रकटोगे तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको, पत्थर के हो गए आप, सालीग्राम जी बन गए। कार्तिक महात्म की कथा कहती है सालीग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी तालाब सरोवर कुंड बावड़ी कुआं के पास में तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए, तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है, पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्व का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन
घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञाधिक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणाधिक वस्त्रादिक देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर मेरे करुणा सागर शंकर का सुंदर चरित्र कहता है महाराज। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। पहले चंद्र को काया का रोग हुआ और उस काया के रोग से चंद्र को भगवान शिव ने श्रेष्ठ कराया, भगवान सोमेश्वर महादेव बने। मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुँचे। भगवान शिव और पार्वती आनंद के साथ विराजमान होते हैं और सुंदर भाव से आनंद से भगवान शंकर और पार्वती श्री सेलम में रहकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल जी का। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन करा है कि मुझे महाकाल भगवान का जो पावन कथा का चरित्र है उसका स्मरण कराइए। तब दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालों के काल बन कर आए। काशी, उज्जैनी और केदार, काशी, उज्जैनी, केदार, ये तीनों को रुद्राक्ष पर और त्रिशूल पर और बेलपत्री पर बसा हुआ बताया जाता। किस किस को? काशी, उज्जैनी और केदार, महाकाल, काशी और केदार। कभी अभी अगली कथा जो प्रारंभ होगी, अभी तो आप लोगों ने व्रत शिव महापुराण की कथा सुनी है। अगली कथा आज कौन तारीख हो गई है? 28 है, आज 28 तारीख को कथा विराम हो रही है। 29 बीच में जाएगी, 30 बीच में जाएगी, 31 तारीख से पुनः शिव महापुराण की कथा फिर आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। कितनी बजे? 1 बजे से 4 बजे तक। कथा 2 से है क्या? पता कर लिया है तो कथा 2 बजे से 5 बजे तक, 1 का ध्यान में था, कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। और जो कथा होगी उसका नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। कथा का नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहाँ भीड़ भाड़ा लगा दो, यहाँ किसी को आना नहीं है। कथा का नाम है क्योंकि आप लोगों के घर में जो रुद्राक्ष होता है, असली रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए? कई जगह पर रुद्राक्ष के ऊपर शंकर जी बने हुए, शेषनाथ बना हुआ रहता है, लोग समझते हैं असली है कि नकली है, ऐसे कई भ्रम है आप लोगों के। कौन से रुद्राक्ष की माला गले में पहनना चाहिए, कौन से रुद्राक्ष की माला हाथ में पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको वक्षस्थल तक लेना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको नैनो से लगाकर पानी में डालकर जल पी लेने पर शुगर लेवल में आ जाती है, ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन अपन श्रवण करेंगे। रुद्राक्षों का एक एक स्मरण करेंगे तो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा रहेगी, रुद्राक्ष शिव, जिसका अपन स्मरण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आस्था चैनल पर 31 तारीख दोपहर में कितनी बजे की कथा? 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। 1 बजे ही निश्चित समय पर कथा रहेगी, आप सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हर हर महा। आपके घरों में जितने भी रुद्राक्ष आपके घर में रखे हुए हैं या रुद्राक्ष आपके घर में विराजमान है, रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ है, तो निवेदन करेंगे आप सबसे कि उन रुद्राक्षों का भी स्मरण आप करेंगे। यहाँ से रुद्राक्ष जो आपके घर में रखा हुआ कैसा रुद्राक्ष है उसको पहचानना, फिर उसका प्रयोग कर देखना कि असली है कि नकली है, साथ में रहकर प्रयोग करना कि असली है कि नकली, साथ में मालूम भी पड़ जाए। और उस रुद्राक्ष का स्मरण करो, फिर उसका आचमन करना है, धारण करना है, उसको अलमारी में रखना है कि पूजन में रखना है कि नहीं रखना है, ये सब अपन उस कथा के अंतर्गत 31 तारीख से कथा प्रारंभ होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक में श्रवण करेंगे। कालों के काल महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को मार गिराया भगवान ने, ओंकारेश्वर भगवान का वर्णन करा, बिंद नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान करा, तप कर विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, जिसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम भीम था। भगवान से देश करकर मंदिर देवालय तोड़े, भगवान शंकर ने आकर उसका संहार करा, शिवजी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुंदर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, शिवजी का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। रावण को लघु शंका लगी, जब शिव को लेकर चले भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भूष्मा के पुत्र को जीवित कर देते हैं, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान शंकर ने जब श्रवण किया, तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी इस पावन कथा को आपने सुनाया है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? तुमरुका जी ने कहा, भोलेनाथ अपने मस्तक की बेलपत्र इस पोथी को समर्पित कर दीजिए, वही बेलपत्र कुबेर का भंडार भरे ऐसा वर दे दीजिए। भगवान शंकर ने विराम के दिन की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होती है, बाकी के 7 दिनों की जो बेलपत्र होती है वो खाते हैं तो औषधि का कार्य करती है। शिव महापुराण की विराम की बेलपत्र शंकर कहते हैं, जो अपने घर में नित्य रखता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी महाराज से सुंदर कथा का रसस्वादन करें,
तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ जी से बेलपत्र समर्पित करिए, कुछ वर मांग लीजिए तुमरुका जी। तुमरुका जी कहते हैं बस वर देना है तो ऐसा दीजिए, शंकर की कथा को जो अपने हृदय में उतारे उसको जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे और मेरे महाकाल का एक बार दर्शन हो जावे, बस इतनी कृपा करो। बाबा ने वर प्रदान करा। ऐसी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहाँ सिंघल परिवार द्वारा आनंद से चल रही है, भाव भक्ति से आनंद से विराम की ओर है। बड़े आनंद के साथ अपन सब ने इस पावन कथा को श्रवण किया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ स्वर्गीय श्री नानुराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में, विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंगल पटना बिहार से, जिन्होंने इतनी सुंदर पावन व्रत शिव महापुराण की कथा करवाई, और साथ में ओम प्रकाश जी भाटी, श्री आशा जी भाटी जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हुए, सबको साधुवाद देता हूँ। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी वाणी से, इस व्यासपीठ से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। आपके हृदय को इस वाणी से कहीं चोट लगी हो तो करवत हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि आपके हृदय को अगर कहीं घात लगी हो तो क्षमा करिएगा। यह व्यासगादी शंकर की है, शंकर की वाणी है, शंकर की कथा है, सुनने वाला शंकर, बाचने वाला शंकर है। मैं तो नीचे उतरा स्वयं प्रदीप मिश्रा हो जाऊंगा, पर बाचने वाला शंकर है, उसकी वाणी पर विश्वास करना। मुझे विश्वास है मेरे जैसे को उसने कचरे से उठाकर इस पीठ पर बिठा दिया तो तुमको भी कहीं अच्छी जगह ले जाकर जरूर बिठाएगा। विश्वास उस पर करना, उस पर भरोसा रखना, ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको लूट लेंगे। किसी को अपना नंबर मत दो बीच वालों को, ना व्हाट्सएप नंबर दो, डायरेक्ट उसका नंबर लो। किसका? उसका जिसकी कथा सुन रहे हो। बीच वालों के चक्कर में पड़ोगे तो डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, कुछ भी कह देंगे, भड़का भी देंगे। और काम बेकार, शिव का भजन कर रहे हो तो शंकर का डायरेक्ट नंबर लीजिए, शिव का स्मरण करिए। किसी से मतलब नहीं, तुम्हें प्रदीप मिश्रा जी से भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो उससे मतलब रखो जिसकी तुम कथा सुन रहे हो। क्या मतलब तुम्हें किसी से? क्या किसको रोइए? जम के बोलो, चादर तान के तो आग लगे मस्ती में, मस्ती में। तुम तो बढ़िया चकाचक आनंद में मौज मस्ती की जिंदगी अलमस्त बाबा का नाम लेकर निकालो। शंकर जैसी मस्ती में रहता ही नहीं, बढ़िया मस्त पार्वती जी कुछ भी के, बस ऐसी मस्ती तुम्हारी होना चाहिए। कोई कुछ भी के नहीं, इनंग से सुनो, और बची कुची अगर कपड़ा में चिपकी भी जाए नहीं तो झड़ा दो, पर अपने बटोर के नहीं रखना। हो अपन को नहीं बटोर के रखना है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में। हमें कोई मतलब नहीं संसार से, हमें तो ये देखना है कि बस इतना याद रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या अपशब्द कर रहा है। संसार वालों के पल्ले पड़ोगे तो दिक्कत आओगे ना, आप शिव के पल्ले पड़िए, शंकर का भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए, शिव की भक्ति में डूब जाओ और उसकी भक्ति का आनंद पाओ। साधुवाद था सभी को। 30 तारीख को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की पर्व की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरे कल्लू जी महाराज वर्ष में एक बार स्नान करते हैं, आप सबको मालूम है, रात्रि को 11 बजे से 12 बजे तक कल्लू जी के स्नान का दर्शन हमारे फेसबुक यूट्यूब पर होगा, आस्था चैनल पर नहीं, हमारे चैनल पर होगा फेसबुक यूट्यूब पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और जब 30 तारीख को रात्रि को 11 बजे साल में एक बार मेरा कल्लू जी, मेरा ठाकुर जी स्नान करता है, उनका सुंदर स्नान का दर्शन, श्रृंगार का दर्शन करें, अपन प्रेम से बाबा का श्रृंगार का दर्शन करेंगे, स्नान का दर्शन करेंगे, और उस लिंक से आप सबको जोड़ते जाना। जो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ें, और बाबा मेरा ठाकुर मेरा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जिस कामना से आपने वृक्ष पुराण की कथा सुनी है आपके जीवन को आनंद प्रदान करें, जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं आपकी वो कामना पूर्ण करें। यही वाणी को विराम देते हुए सबके पावन चरणों को नमन करता हूँ। किन्हीं को भी अगर मेरी वाणी से कोई गलती लगी हो, शब्द लगा हो, क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 31 तारीख दोपहर में 1 बजे फिर मिलते हैं इसी